तो भाई आप वाइजर देखो, हेलमेट का पानी पानी हो चुका है इस पर पूरा, और कैमरा भी जो है पूरी तरीके से गीला हो चुका है अपना। इतनी ज़्यादा ठंड और कोहरे का आलम देखो भाई, क्या तगड़ा कोहरा आ रखा है। बहुत शानदार चाहिए भट्टी की चाय तो, अगर आप टी लवर हो तो आपको ही पता होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिर्ची ऑटो राइडर। तो गाइस आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे आज और दिन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी, और जब मैं छत पर गया तो गाइस काफ़ी ज़्यादा कोहरा छा रहा था, और वो कोहरे को देख के मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं निकल गया एक छोटे से राइड पर। तो मैं जब राइड पर निकल ही रहा था तो मैंने कहा एक व्लॉग भी शूट कर लेते, हो सके किसी को पसंद आ जाए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भाई। तो अभी हम आ चुके हैं केशवपुरा, और ठंड का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे सामने जो है विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। मेरे सामने ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 फीट तक मुझे दिख रहा है, और उसके आगे कोहरे की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कोहरा जो है और ज़्यादा घना होता जा रहा है, और ज़्यादा जो है विजिबिलिटी कम होती जा रही है। तो अभी हम जो है कहाँ जाएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, बस मैं निकल चुका हूँ। मैंने बाइक उठाई, मैंने हेलमेट उठाया, बाइक बाहर निकाली और मैं निकल गया। तो आप देख सकते हो सामने एक सर्कल है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, बस मुझे अंदाजा है कि हाँ यहाँ पर एक सर्कल है। तो आप देख सकते हो सर्कल जो है, अभी हम आ चुके हैं अभी हम आ चुके हैं जवाहर नगर सर्किल पर। ये जवाहर नगर सर्किल है शायद मेरे अंदाजे से। देख सकते हो माहौल सर्दी का, सर्दी में जो ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन लगा हुआ हो, ज़्यादा पब्लिक बाहर नहीं निकलती बिना वजह। तो ये कौन सा सर्कल है मुझे याद नहीं है, शायद 3-32 सर्कल होगा या जो भी होगा, क्योंकि ये एरिया में मैं बहुत कम आता हूँ भाई, अपना एरिया है ही नहीं है। क्योंकि नया कोटा जो है मैं बहुत कम आता हूँ, पुराने कोटे में ज़्यादातर मेरा आना जाना रहता है, तो उस वजह से मुझे उधर का पूरा रास्ता पता है, लेकिन इधर मैं बहुत कम आता जाता हूँ। और भाई लाइट देखो सामने कितनी प्यारी लग रही है सर्कल पर, ऐसा लग रहा है जैसे दीपक पेड़ पर दिए जल रहे हो। ये देखो भाई बहुत सुंदर नज़ारा है। और कई जने जैसे कि अभी अंकल को देख लो, सुबह सुबह इनको ठंड से कोई मतलब नहीं है, इनको एकदम फिट रहना है, तो ये मॉर्निंग वॉक पर आ चुके हैं। और भाई मॉर्निंग वॉक क्या, अभी टाइम देखो आप सुबह के 8:30 बजे में, और 8:30 बजे जो है काफ़ी बढ़िया। और भाई देखो ये कोठी कितनी शानदार लग रही है, भाई साहब क्या रोड है। और देखो ये अंकल सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल चुके हैं। तो गाइस तो जिस बंदे की जोन सी हैबिट हो उसको करता है, उसको मौसम से कोई मतलब नहीं है। अभी अंकल है, इनकी इतनी उम्र है, लेकिन फिर भी ये मॉर्निंग वॉक पर निकल चुके हैं। और कई सारे देखो अभी मॉर्निंग वॉक पर मुझे मिल रहे हैं, ये अंकल है, ये भैया है, बहुत सारे जने हैं जो मॉर्निंग वॉक पर मुझे मिल रहे हैं। तो काफ़ी बंदे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मौसम से, जैसे कि हमें देख लो, हमें तो सर्दी का और उल्टा मज़ा आ जाता है। हम तो भाई सर्दी में और ज़्यादा बाहर निकलते हैं, क्योंकि सर्दी जब लगती है और जब बाइक चलाते जब ऐसे शरीर धूसता है तो भाई मज़ा ही अलग रहता है। बस बात करते करते हम जो है शिवपुरा आ चुके हैं, और टाइम जो है 9:45 यानी 8:45 हो चुके हैं। और अभी भी आप देखो मौसम जो है काफ़ी सर्द हो रहा है, क्योंकि धूप जब तक नहीं निकलेगी जब तक कोहरा हटेगा नहीं, और जब तक कोहरा हटेगा नहीं तब तक सर्दी तो पड़नी है भाई। तो अभी हम चल रहे हैं गाइस 4 लेन पर, तो थोड़ा सा 4 लेन का राउंड काट कर आएंगे। काफ़ी बढ़िया नज़ारा आ रहा है भाई सुबह सुबह का, एक नंबर माहौल हो रखा है, देख सकते हो आप बिल्कुल भाई क्या मज़ा आ रहा है, एक नंबर सर्दी लग रही है भाई, एक नंबर सर्दी लग रही है भाई। ऐसी ठंड में अगर अपन को एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो भाई ओए मज़े आ जाए। तो हमें चाय तो पीनी है। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है, और चाय भी यहाँ मिल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ एक कप चाय हो ही जाए यहाँ पर। भाई आप देख सकते हैं ठंड में जो है गरम गरम चाय बन रही है अभी भट्टी की, तो भट्टी की चाय का भाई काफ़ी शानदार मज़ा रहता है, बहुत शानदार चाय है भट्टी की चाय तो, अगर आप टी लवर हो तो आपको ही पता होगा। और सर्दी देखो भाई, कोहरा देखो आप, कोहरा कितना तगड़ा छा रखा है, और बाइक अपनी। तो भाई हमने जो है चाय पी ली है, और यहाँ पर आग जल रही है, तो मैं थोड़े से हाथ गर्म कर लेता हूँ, लेकिन वो आग जो है बुझ चुकी है। हाथ बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे भाई हाथ, तो ग्लव पहन लेते हैं। तो भाई ठंड जो है अपने चरम परम सीमा पर है, और हम आ चुके हैं अब हाईवे पर। तो
हाईवे का मजा भाई तगड़ा रहता है। हाईवे पे जो है काफी ज्यादा धुंध मिलेगी हमें, काफी ज्यादा कोहरा मिलेगा हाईवे पर। तो गाइस चाय जो हम पी चुके हैं, चाय का चस्का तो हम जो है ले चुके हैं। अब मैं गाइस कड़ी कचौरी की तलाश में निकल चुका हूँ। तो भाई हम कोटा वालों के लिए तो कचौरी जो है एक विटामिन की तरह रहती है, विटामिन की गोली है हमारे लिए कचौरी। तो हम कचौरी खाएंगे फिर वापस घर पे, क्योंकि हो चुकी है टाइम, हो चुका है फोन टाइम, हो चुका है 9 बज चुकी है और 9 बजे का भी आप माहौल देख सकते हो, ठंड जो है बरकरार है भाई, काफ़ी शानदार मज़ा आ रहा है, ठंड एक नंबर लग रही है। जब भी मैं सोचूं कि राइडर ज़्यादातर जो है मनाली या मनाली लद्दाख तो इधर क्यों जाते हैं, क्योंकि उधर भाई बर्फबारी रहती है और ठंड में बाइक चलाने का काफ़ी शानदार मज़ा आता है। तो भाई इधर तो जो है मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, इधर जो है मेरे को बहुत कम दिख रहा भाई, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चला रहा हूँ मैं। और आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो एक सामने सिर्फ एक इंडिकेटर जो है बिलिंग हो रहे है कोई बाइक के, ये आप देख सकते हो, पता नहीं है कौन सी बाइक है, दूर से पता नहीं पड़ रहा। तो भाई ये बाइक है, पता नहीं है होंडा की है हॉर्नेट। तो बस वही बिलिंग हो रहे थे इंडिकेटर, वो भी मेरे को काफ़ी उस बाइक के पास जाने के बाद दिखे। तो भाई आप वाइजर देखो, हेलमेट का पानी पानी हो चुका है इस पर पूरा, और कैमरा भी जो है पूरी तरीके से गीला हो चुका है अपना, इतनी ज़्यादा ठंड और कोहरे का आलम देखो भाई, क्या तगड़ा कोहरा आ रखा है इधर। तो गाइस हाईवे से हम नीचे आ चुके हैं, हाईवे से हम सिटी में आ चुके हैं, और सिटी में भी कोहरा भाई बरकरार है, ठंड जो है गजब की लग रही है। अभी मैंने बाइक रोकी थी थंबनेल के लिए, थंबनेल भी तो भाई जितने इम्पोर्टेंट वीडियो बनाना रहता है उतना इम्पोर्टेंट थंबनेल बनाना भी रहता है। तो मैंने थंबनेल के लिए रोकी थी, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरा कैमरा पूरी तरीके से गीला हो चुका था, मतलब उस पर उसकी छोटी छोटी बूंदें उसके लेंस पर आ चुकी थी। तो भाई अगर उस वजह से वीडियो में थोड़ा दिक्कत आती हो आपको, तो भाई उस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ मौसम का मज़ा लेना भाई, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है फर्स्ट टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं भी इतने कोहरे में, मैंने अभी तक इतने कोहरे में वीडियो शूट नहीं किए, वो भी गोप्रो से। फिर भाई नया तो नया ही रहता है, लेकिन फिर भी भाई जब उसके लेंस पर ही वो जम जाएगी तो फिर वो क्वालिटी कैसे दे पाएगा।